everyone, welcome back to my English YouTube channel. I hope that you all everyone are good and safe at your home. In this video lecture, we are going to learn present indefinite tense as you have already seen on title and thumbnail. So, what is present indefinite tense? First, we see the structure by it making sentences. First, we have to understand what is present indefinite tense. So, I tell you that present indefinite tense in at the last of the sentence, यहाँ पर क्या रहता है? Present tense के किसी भी sentence में ता है, ती है, ते है, ऐसा कुछ भी आता है, तो आप समझ लेना ये present indefinite tense है. जैसे कुछ example लेते हैं, मैं आपको पढ़ाता हूँ, आप पढ़ते हो, ता, ते, वह खेलती है, ती आ गया यहाँ पर, राम बाजार जाता है, राम दिल्ली जाता है, ता आ गया, इसलिए इसे हम present indefinite tense कहेंगे. अब हम affirmative sentence बनाने के लिए rule देखेंगे कि किस तरीके से हम इसे format बनाएंगे. So if we have to make affirmative sentence, affirmative sentence, what is the rule of making it? Subject plus verb ki first form, and then we add s or es, and at last of the sentence we add object. So first we take an example. So our first example is I play in the park. Why I have used here the? Why I have used? Because I am talking about a specific park. So I have add here the. Okay. I is a first person plural subject. So we have add here verb first form, and in the park is our object. I क्या है? ये हमारा first person plural subject है, इसलिए हमने play के साथ s या es कुछ भी use नहीं किया. S या es जो है वो हम singular subject third person के साथ लगाते हैं. अब हम examples देखते हैं. Second example है हमारा, he goes to market daily. यहाँ पर देखो, मैंने he जो है किसी लड़के को point out करने के लिए यहाँ पर मैंने यहाँ पे he का use किया है कि वह एक लड़का है. यहाँ पर verb की first form plus हमने es का use किया है. ES का यूज किया है. अब ES का यूज क्यों किया है? क्योंकि he जो है वो क्या है हमारा? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने ऐसे ES का यूज किया है. अब आपके दिमाग में एक चीज चल रहा होगा, यहां पर हमने S यूज क्यों नहीं किया? क्योंकि ये चीज हम देखते हैं वर्ब की लास्ट वर्ड को देखकर हम ये चीज पता लगाते हैं कि एस लगाना है या ई एस लगाना है. यहां पर मान लो, अब यहां पर ई एस लगा हुआ है. क्यों लगा हुआ है? क्योंकि ये गोज बनेगा. अब जी ओ एस लगा देंगे हम तो फिर वो अलग ही चीज बन जाएगा, अलग वर्ड बन जाएगा, जो कि ये मैच नहीं होगा, इसलिए हमने ई एस का यहां पर इसमें लगाया है. आने वाली वीडियो लेक्चर में मैं इस चीज को पूरा कंफर्मली तरीके से आपको बताऊंगा. अभी के लिए हम यहीं तक रहते हैं, समझते हैं. टू मार्केट डेली, ये क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट है. दिस इज हॉल ऑब्जेक्ट. थर्ड एग्जांपल वी टेक हियर, शी प्रिपेयर्स टी, शी प्रिपेयर्स टी फॉर एवरीवन. Everyone. यहाँ पर she जो है किसी लड़की को point out करने के लिए use किया है मैंने.
अब प्रिपेयर्स, यहाँ पर देखो वही चीज आ गया, यहाँ पर ई पहले से लगा हुआ है इसलिए हमने ई एस नहीं लगाया, हमने डायरेक्ट एस लगा दिया एस आई एस। अब हमने लगाया भी क्यों एस आई एस, क्योंकि सी जो है वो क्या है हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, टी फॉर एवरीवन ये हमारा ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस। नेक्स्ट वी टेक वन लास्ट एग्जांपल, रवि, रवि गोज टू क्लिनिक ऑन टाइम, यानी मैं कह रहा हूं कि रवि जो है क्लिनिक जाता है, समय पर जाता है क्लिनिक। अब रवि क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहां पर हमने ई एस यूज किया, क्योंकि एस तो लगेगा नहीं, जी ओ एस। और टू क्लिनिक ऑन टाइम ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है। एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस हियर इज आल्सो ऑब्जेक्ट। आई होप गाइस कि आपको यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आ चुका होगा कि ये किस तरीके से बनता है, इसका फॉर्मेशन किस तरह से होता है, और आपको एग्जांपल्स के थ्रू डाउट भी क्लियर हो चुका होगा। अब हम अपने नेक्स्ट लेवल, अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम ये सीखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनाते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो बेसिकली हम क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं। क्या वह खेलता है, क्या मैं आपको पढ़ाता हूँ, क्या वह अच्छे से सुनता है, क्या वह स्कूल जाता है समय पर, क्या वह चाय बनाती है, इस तरीके से ताती थे इसमें भी होता है, और इसी को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट एंड आई विल रिमूव ऑल योर कॉन्सेप्ट्स एंड वी विल सी। And so let's get started without our wasting of our time. Okay. So if we have to make interrogative sentence, its rule is do, does plus subject प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। सो एट द लास्ट ऑफ द सब सेंटेंस ऑब्जेक्ट। अब हम ये समझते हैं कि डू डज होता क्या है, और ये यहाँ पे मैंने डू डज क्यों लिखा, ये मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस में तो हमने देखा नहीं डू डज, यहाँ पर क्यों आ गया। देखो जो डू होता है और डज, डू जो है अदर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, ये जो होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, शी, इट, इन सब के साथ डज का यूज करेंगे, और डू जैसे आई हो गया, यू हो गया, और हमारा दे हो गया, इस टाइप के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो डू हम यूज करते हैं, और डज, ही, शी, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। Now we take examples. Do I go to school on time? यानी क्या मैं स्कूल समय पर जाता हूँ, मैं अपने आप से क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्या मैं स्कूल समय पर जाता हूँ। यहाँ पर do I के साथ हम क्वेश्चन करने के लिए सब्जेक्ट से पहले do का यूज करेंगे, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब का यूज करेंगे। टू स्कूल ऑन टाइम ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं अच्छे समझने के लिए। डू यू प्रिपेयर फूड, यहां पर मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, क्वेश्चन मार्क यहां पर लगा देते हैं, यहां पे मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, डू यू प्रिपेयर फूड यानी क्या तुम खाना बनाते हो, डू यू प्रिपेयर फूड। यहाँ पर भी यू के लिए हमने क्या यूज किया, डू का यूज किया, सब्जेक्ट से पहले हम डू का यूज करेंगे और सब्जेक्ट के बाद हम यहाँ पर वर्ब का यूज करेंगे, हमने प्रिपेयर का यूज किया। फूड क्या है, ऑब्जेक्ट है, एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस ऑब्जेक्ट। थर्ड एग्जांपल लेते हैं, डज शी गो टू मार्केट, यानी मैं
किसी लड़की को पॉइंट आउट करके पूछ रहा हूँ, डस शी गो टू मार्केट, क्या वह बाजार जाती है? यहाँ पर शी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट से पहले यस ऐड कर दिया हमने, यस हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, ही शी इट के साथ होता है यूज, ऐड होता है। सो गो क्या है हमारा वर्ब है, टू मार्केट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं अच्छे समझने के लिए, डज रवि वर्क इन ऑफिस, यानी क्या रवि ऑफिस में काम करता है, क्या रवि ऑफिस में काम करता है। रवि क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए उससे पहले हमने डू के साथ यस ऐड कर दिया, और सब्जेक्ट से पहले और सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, वर्ब और इन ऑफिस हमारा ऑब्जेक्ट है। आई होप गाइस कि आपको यहां तक समझ में आ चुका होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में किस तरह से होता है, क्या यूज होता है इसका, और किस तरीके से हम इसके सेंटेंसेस को बनाते हैं। सो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस का किस तरीके से फॉर्मेशन होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है बनाने का, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस ऑब्जेक्ट। यहां पर हम डू नॉट कहां पर यूज करते हैं और डज नॉट कहां पर यूज करते हैं ये देखेंगे हम। डू नॉट जो होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए होता है, प्लूरल, और डज नॉट सिंगुलर। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, ही शी इट, और प्लूरल कौन से होते हैं, जैसे आई यू, ये सारे जो है प्लूरल होते हैं, और सिंगुलर ही शी इट। अब हम एग्जांपल्स देखेंगे और अच्छे तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। सो मैं फर्स्ट एग्जांपल ले लेता हूँ, आई डोंट प्ले इन द स्कूल, यानी मैं स्कूल में नहीं खेलता हूँ, आई डोंट प्ले इन द स्कूल। यहां पर आई के साथ डू नॉट का यूज हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया था यहां पर डू नॉट का हम यूज करते हैं, नेगेटिव में डू प्लस नॉट हो जाता है तो वो डू नॉट बन जाता है, डोंट बन जाता है। अब हम प्ले क्या है हमारा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है, इन द स्कूल ये हमारा ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, शी डजंट गो टू मार्केट, यानी मैं किसी लड़की को पॉइंट आउट करने के लिए यहां पे मैंने शी का यूज किया, डज नॉट डजंट यानी डज नॉट। अब यहां पर हमने डज का यूज क्यों किया, क्योंकि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये एक थर्ड पर्सन है सब्जेक्ट है, इसलिए हम यहाँ पर हमने डज नॉट का यूज किया। अब गो क्या है हमारा वर्ब है, टू मार्केट ऑब्जेक्ट है। अब हम थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, ही डजंट वाटर द प्लांट, यानी वह पौधों को पानी नहीं देता है, ही डजंट वाटर द प्लांट। अब यहां पर हमने डज नॉट का यूज क्यों किया, बिकॉज ही जो है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ पे डजंट यानी डज नॉट का यूज किया, इसमें नॉट हो गया और यहाँ पर डज लगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगता है, आपको मैंने पहले बता दिया था। वाटर वाटर यानी पानी देना ये हमारा वर्ब है, और द प्लांट ऑब्जेक्ट है। अब हम लास्ट एग्जांपल लेते हैं, रवि डजंट ट्रेवल
इन बस, यानी मैं रवि के लिए कह रहा हूं कि वो जो है वो बस में ट्रेवल नहीं करता, यात्रा नहीं करता। अब रवि क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए हमने डज नॉट यूज कर लिया नेगेटिव में। डज प्लस नॉट, ट्रेवल क्या होता है, यात्रा करना, पता है वर्ब है आपको। और इन बस क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। सो गाइस, आपको इस वीडियो लेक्चर से आपको समझ में आ चुका होगा कि प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस क्या होता है। इसके मैंने तीनों पार्ट्स में आपको बताया, अफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। सो गाइस, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, आपको इस वीडियो लेक्चर से ये समझ में आ चुका होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस क्या होता है और ये कितना इंपॉर्टेंट होता है टेंसेस के लेक्चर में। आने वाली वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़ाऊंगा। सो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।